तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ अभी, इस जगह पे हुआ क्या था एक्चुअली में हिस्ट्री में, तो भगवान शंकर से बचने के लिए, अच्छा भगवान शंकर भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ पे कौन आए थे? शंकर भगवान आए थे छिपने के लिए। शंकर भगवान जी आए थे यहाँ पे छिपने के लिए, तो हम उसी जगह पे जा रहे हैं। शंकर जी जहाँ पे छिपे थे वो भस्मासुर से, जो भी है उनसे। अब हाँ, तो वहाँ पे बहुत नेचुरल जगह है, दीदी को पता है, मेरे को पता नहीं है उतना ज्यादा। आप इसका हिस्ट्री वगैरह गूगल में, विकिपीडिया में सर्च करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका डिटेल थोड़ा बहुत मेरे को पता है, तो वही मैं बता रहा। पिपरिया, पिपरिया से आने के लिए आपको बोलना पड़ेगा तामिया। तामिया के लिए आपको बस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो बस पकड़ के आ जाओगे तामिया। यहाँ पे आप घूम सकते हो, छोटा महादेव, तामिया हिल्स, और भी बहुत सारे चीजें हैं आपको देखने के लिए, वो सब कुछ मिलेंगे। और यहाँ का कुछ ये मार्केट, बाहर का सीन, यहाँ से भवन को मुड़ना है, ड्राइविंग स्किल। यहाँ का पुलिस थाना सुनसान। ये देखो भाई, अब फ्री में जाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ रहा है, इनका सहारा लेना पड़ रहा है। अकेले जाऊंगा तो पैसा लगेगा, ये खुलेगा कहाँ से? बंद है सर ढंग से। देखो भाई, अपनी गड्डी कुछ ऐसा है, नेक्सोन का है, पेट्रोल वेरियंट, तामिया वन विभाग। तो कौन सा पॉइंट है? वल्चर पॉइंट। वल्चर पॉइंट है, शाम को जाने में मजा आता है, तो धूप में काहे के लेके आए? अच्छा अच्छा, छोटा महादेव जी के लिए जाने के लिए, पानी वाला एरिया ना, तो उसी में जाने के लिए ना उल्टा जाना पड़ेगा। और ये क्या चीज है? वर्ल्ड वैली रिसोर्ट। ये देखो भाई, बारिश का सीन, हम जब आया था ना उस बार, तो इसी को देखा था, ये दिख नहीं रहा था, पूरा धुआं धुआं था। देखो अभी तो ये देखो, क्लियर दिखाऊंगा सब कुछ। देख, प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे क्या लगने लगा? पैसे, पैसे लगने लगा, पर अपन फ्री वाले, फ्री में जाएंगे। मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन, जो भी प्रवेश शुल्क 10 रुपए प्रति व्यक्ति है, बट अपन फ्री में जा रहे हैं। ओके, मतलब बात कराने वाला सिस्टम है। बंदर बंदर जा रहे हैं छोड़ के। और ये वन परिक्षेत्र तामिया, आपका स्वागत, छोटा महादेव, नेचर इंटरेक्शन, जो भी लिखा है आपके सामने है। और यहाँ पे लाल मुंह वाले बंदर है ना, तो वहां पे मैं जा रहा हूँ भाई। ये पानी का बॉटल वगैरह लेके घूमने के लिए। और देखो भाई, इनसे थोड़ा बच के रहना, इनसे ही मेरे को थोड़ा डर लगता है, और किसी से नहीं। ये काट के खाए पाए ना, लाल मुख वाले बंदर भाई साहब, कितने सारे हैं साला, मेरे ऊपर ना अड़े, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। बारिश के सीजन में आया था ना, जब उस टाइम पे मैं यहीं पे आया था, बारिश था, धुआं था, जिसके कारण दिख नहीं रहा, बट मैं वैसे में आया हूँ, धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी के सीजन में आया हूँ, धूप है, काफी ठंड है। बट यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे, छोड़ के चली गई अपने ऑफिस, और मैं बस अकेला घूम रहा हूँ ऐसे। वो भाई साहब, यहाँ से देखेगा मस्त, देखो नजारा। छोटा महादेव, ये देखो भाई सीढ़िया, ये सब कुछ पार करके जाना पड़ता है अपन को, सीढ़ी। और देखो पीछे, ये कितने बड़े बड़े चट्टान है। देखो भाई, उस बार मैं आया था ना, वो आपको हिल टॉप दिख रहा होगा, हिल टॉप, वो पहाड़, वो मैंने उंगली दिखा रहा हूँ, वो वहां पे उस टॉप में मैंने चढ़ा था। वहां से चढ़ने के बाद क्या हुआ था कि जैसे अपना बारिश का सीजन था, तो बारिश के सीजन में पूरा धुंध छाया था उस टाइम पे, तो वो धुंध में ना इसको पकड़ पाया, तो वो धुंध के कारण कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने खाई सिर्फ दिखाया था और हवा चल रहे थे, उसके कारण कुछ नहीं दिख रहा था, बट अभी आपको सब कुछ दिखेगा। भाई साहब यार, क्या व्यू है यार, एक नंबर सीन, कितने सीढ़ियां मेरे पार करनी पड़ेंगी, दौड़ दौड़ के जाऊंगा, कैमरे में फोकस नहीं करूंगा, नहीं तो गिर जाऊंगा। ये है सीन, बारिश के सीजन में एक बार आऊंगा, उस टाइम पे बारिश के सीजन देखना क्या मस्त रहेगा, लोग यहाँ पे भी चढ़ते हैं इसके ऊपर।
इसके एंट्री चार्जेस है भाई, जानते हो कितना एंट्री चार्जेस है? 10-10 रुपए पर पर्सन लगते हैं, 10 रुपए पर पर्सन। पर दीदी के कॉन्टेक्ट के कारण मेरे को यहाँ पे कुछ भी रुपए नहीं लगा, एकदम फ्री में मैं घूम रहा हूँ। ये देखो अब ऐसी खड़ी, बारिश के सीजन में जानते हो क्यों मैं इसके नीचे नहीं गया था, दीदी भी नहीं जा रही थी। देखो अब सीढ़ी में दिखा दे रहा हूँ, ऐसे सीढ़ी थे और फिसलन वाली जगह था भाई, इसीलिए तो दीदी ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी नीचे। तो देखो भाई साहब क्या सीढ़ी है यार, इस तरह में इंसान ऐसे में ही तो गिर जाएगा, तो बारिश के सीजन में तो बनी बात है वो तो गिर ही जाएगा ना, इसीलिए अपन नहीं आए थे। अब इस तरह के सीजन में आए तो थोड़ा माहौल गर्म वाला है, बट सही है, इतना चलेगा। ओ भाई साहब देखो वहां पे चढ़ा था, वो हिल्स दिख रहा है ना, वो हिल्स में भी चढ़ा था, ये हिल्स में भी चढ़ा था उस बार। यार धूप बहुत जम के, ओ भाई देखो खाई, बाज कैसे उठ रहे। एक रहने वाला घर, यहाँ पे शायद मैं कैंपिंग भी कर सकता था। अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा ये कि अब मैं कैंपिंग वगैरह सब कुछ लेके आऊंगा और यहाँ कैंपिंग वगैरह भी करूंगा, एक रात को जब रुक के अच्छे तरीके से कैंपिंग वगैरह करूंगा, सब कुछ लेके आऊंगा, कैंपिंग बैग वगैरह। अभी मैं फिलहाल ऐसा ही घूम रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ पीछे की जगह। कुछ देखो यार भाई साहब क्या मस्त नजारे, देखो मैं हिल टॉप में नहीं चढ़ाऊंगा, यहाँ से दिखा रहा हूँ और देखो। तो यहाँ पे कैंपिंग करने में बहुत मजा आएगा, आप अपने फैमिली फ्रेंड के दोस्तों के साथ सभी के साथ आ सकते हो। क्या हवा चल रहा है, यहां से शॉर्टकट भी है क्या? ओ भाई क्या बड़े बड़े पहाड़ है, ये बड़े बड़े चट्टान साला, इतने बड़े बड़े चट्टान सब नीचे। ओ भाई साहब भाई, ओ तेरी क्या चट्टान है यार, वहां से अगर कोई इंसान नीचे गिरा ना बचेगा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कोई नहीं बचेगा, सीधा मरेगा। पूरा ना रिकॉर्ड देखो, क्या क्या लिखे हैं अपने प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम, देखो क्या क्या लिख के रखे। वाह 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 क्या मस्त जगह है, देखो छोटा महादेव, पहुंच गया छोटा महादेव, ये दिखाऊंगा सेम, देखो भाई। अभी ये कपल्स लोग आप ही चले गए, ओ टॉप हिल टॉप, ओ भाई साहब ये पानी निकल रहा है पहाड़ से, पानी बारिश के सीजन में भाई एक नंबर लगता है भाई, बारिश के सीजन में आना अब कहोगे भाई जन्नत में आए हो, जन्नत में देखना सूखे सूखे दिख रहे हैं। बता दूं ये कि मेरे को प्यास बड़ी जमकी लग रही है और धूप यार, मतलब धूप में आया ना इसीलिए, थोड़ा सा बैठ के करते हैं रेस्ट और पीते हैं पानी भाई। एडवेंचर भरी लाइफ में आपका स्वागत है, वो भी अकेले अकेले भूत जैसे घूम रहा हूँ मैं। एडवेंचर एडवेंचर कैंपिंग करूँगा तो देखना क्या मजा आएगा यहाँ पे कैंपिंग करने में। थोड़ा पानी पी लूँ मैं, ये पानी लेके आया था, ये चीज़ साथ में लेके आओ। मेरे को पता था इसीलिए तो पानी लेके आया ना, दीदी जी पानी दे दीजिए, मैं पता नहीं क्यों इस तरह की जगह देखता हूँ तो पागल टाइप से होने लगता हूँ, शहर सिटी से दूर मेरे को इस तरह की जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, लगता है यहीं पे सो जाऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। भाई नहीं सॉरी ऑडियंस, भाई जो भी हो आप सबको,
मजा आ जाता है इस तरह की जगह में घूमने में। अच्छा यार देखो ना पूरा खाई है, मेरे को नीचे पूरा जाना पड़ेगा कुछ कितने, कम से कम 2-4 किलोमीटर मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। अभी तो 1 ही किलोमीटर मेरा डिस्टेंस कवर नहीं हो पाया, तो पहुंचूंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है सीन। और यही हिल्स में ही हूँ अभी, और बस अभी नीचे जाऊंगा। ही वाह यार क्या मस्त सीन है, देखो साला ऐसे भी फैले यार, नेचुरल हवा और नेचुरल पानी के बीच में। ऊपर घर टाइप से कुछ बनाया गया यार, देखो ना वहां पे वो बड़ा सा। तो देख के नहीं रहा ना, बोलेगा कि सूखी आता था तो ड्रेस सूखी आता। पीने के बाद भगवान थोड़ा धूप कम कर दो और थोड़ा बारिश कर दो, उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा सीन। और देखो यार पानी पी लिया, मस्त लगा, अच्छा लगा, नहाने का मन कर रहा था यार। ये एक और सीढ़ी है, कितने सारी सीढ़ी है, इस तरह में तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, तो इतने सारे सीढ़ी लगा दी ये लोग। और ये सीढ़ी मेरे कहाँ लेके जाएगा, इस तरह मैं थक जाऊंगा यार भाई। देखो ना कुछ ऐसा, नीचे भी पानी है, क्या है? नीचे भी है। देखो कुछ ऐसा नीचे भी क्या है, नीचे यार ये देखिए पानी कहाँ से निकल रहा है। क्या मस्त जगह यार, क्या मस्त। वाह क्या मस्त हवा आ रहा है यार, सच में सच बता रहा हूँ भाई, फेक नहीं रहा हूँ सच में यार। बारिश के सीजन में आऊंगा ना तो यहाँ से झरने गिरते हैं झरने, बट ये भूस्खलन का डर लगा रहा है इसीलिए बारिश के सीजन में। नीचे कुछ नहीं बताता, शंकर जय भोलेनाथ, भोलेनाथ जी का मंदिर ये कुछ ऐसा। भाई फिसलूंगा तो नहीं ना,
साला कीड़े हैं कौन सा यार सट कीड़े वीड़े लगे हैं यार सोचा बढ़िया मस्त वहां पर बैठूंगा कीड़े वीड़े लगे हैं यार देखो ये पहाड़ कुछ ऐसा और ये मतलब पानी झरना वो देखो वहां से भी गिर रहा है वहां से भी गिर रहा है और भी अच्छे अच्छे जगह से भी गिर रहा है और जानते क्या ये झरने में ना आप कहोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा एकदम क्योंकि ये पहाड़ का नेचुरल पानी है भाई ये पीएच मान इसका सब कुछ जो भी मेरे को इतना साइंस वगैरह पता नहीं जो कि बट इसका पानी का जो संतुलन है वो एकदम बराबर रहता है और प्लस जड़ी बूटी वाला ये पूरा पानी है मतलब सारे पेड़ पौधे से मिलके आता है ये पानी एक बार मैं पैर धुल लेता हूँ और मुंडी भी धुल लेता हूँ अपना है ना नीचे भी अभी जाऊंगा पूरा ऊपर से पानी गिर गया पूरा ऊपर से देखो इसके ऊपर क्या है तो कैसा पानी यहाँ पे भरता है देखो इंद्रधनुष टाइप से कोई याद नहीं रहा ना ये मेरे टकले में पड़ रहा है पानी बार बार सही बात है मंदिरा के मंदिर के आसपास वहां से मदिरा ना करें छोटा महादेव पवित्र स्थान प्रदूषित होने से बचा जूता चप्पल बाहर उतारे सही बात बोला है भाई सही बात बहुत ही अच्छी बात है बट मैं जूता चप्पल थोड़ा साइड में कर देता हूँ ये मेरा वाटर बॉटल है यहाँ पे रहेगा चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ नीचे आपको दिखाता हूँ जूते चप्पल मैंने उतार दिए हैं सब कुछ भगवान के पास जाएंगे तो यार सच में यार मैं बोल रहा हूँ एकदम सुकून मिलता है यार सुकून हाँ मेरा नहाने का कोई मन नहीं है बट इसको देख के ना मेरे को नहाने का मन हो रहा है एक बार थोड़ा भगवान जी को पूजा कर दूं यार कैसे नहाने का मन हो रहा नहाने का मन नहीं था मेरे को ये कपना गर्म कुंड कौन सा कुंड है जो भी है ये देखो यहाँ पे पानी गिर रहे हैं तो यार थोड़ा बहुत नहाने के बाद अब मेरा मन हुआ है साड़ी भी दिखाओगे यार वो जाएगा थोड़ा प्यार वगैरह कर
ऊपर से पानी गिरता है और जैसे भोलेनाथ जी का मैंने पूजा वगैरह कर लिया। ये फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड के साथ आओ, बहुत मजा आएगा। नहाने का मन नहीं था, बट इस तरह की जगह देखा ना, मेरे को नहाने का मन हो गया, सच से बोल रहा हूँ। गंदगी ना करें, चल के देखते क्या होती है। कीड़े रखा करते देखो, ठीक है भगवान, भगवान की इच्छा है कि मत जाओ अंदर, तो ठीक है नहीं जाएंगे, भगवान मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, इसलिए नहीं जाएंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से। मजा आ गया सच में। चलते हैं यहाँ से, दूसरा पानी भर लेंगे ये वाला, साफ सुथरा वाला। पानी भरने जाएंगे, पीने वाला था। मजा आ गया, अब कुछ गंदे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नशेबाजी कर रहे हैं, देखिए गलत काम कर रहे हैं, दारू लेके आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी है, निकलते हैं यहाँ से, और भी जगह जाएंगे। इसको कर ले बंद, चलो निकलते हैं यहाँ से। ओह अभी गिरा था। बाय बाय शंकर जी, सॉरी, जय श्री राम, जय भगवान। कहाँ से आ गया था मैं, चाहिए इतना सब कुछ है, रास्ता नहीं है कहीं का। चल ये देखो इच्छा है, ठीक है ना। सब थकाई चला गया, बोलते नहीं बन रहे क्योंकि इतना ज्यादा थक गया हूं। वो देखो बाज उड़ रहा है, बाज दिखा आपको, बाज कैमरे में वो जा रहा है, वो
आपको ये पहाड़ पूरा घूमना है तो इसके लिए कम से कम आपको 2-3 दिन का समय लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो आप पूरा पहाड़ कवर कर नहीं सकते हो। एक छोटा महादेवी कवर करोगे, फिर उस साइड गेस्ट हाउस से ऊपर से जाओगे तो वो तामिया हिल्स, उसको पूरा करोगे, थक जाओगे भाई, एक दिन में नहीं कर पाओगे। और हिम्मत है तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 2-3 दिन निकाल के आए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, उसके बाद ना ये पहाड़ को ना पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, कैंपिंग वगैरह भी सही ढंग से आप कर सकते हो, मजा आ जाएगा यहाँ पे। और बस अभी मैं वापस से फिर से जा रहा हूँ ऊपर, और इसके बाद मैं गेस्ट हाउस में जाऊंगा, देखता हूँ जा पाता हूँ या नहीं। गेस्ट हाउस के बाद तामिया हिल्स में वो पहाड़ में भी मैं चढ़ने की कोशिश करूंगा। धूप तो काफ़ी है, शाम भी हो गया है, और उसके बाद फिर भी थक गया हूँ थोड़ा बहुत, पर फिर भी जाऊंगा। और ये सीढ़ियाँ ना पूरे लकड़ी से बनाया गया, देखो आपको दिख रहा होगा लकड़ी, सीमेंट ना पत्थर ना कुछ, ऑल टोटल लकड़ी है, प्रकृति के साथ कनेक्शन, ये ज्यादा सही है। इसको ऐसे ही बना के रखे तो ज्यादा सही रहेगा हमारे पर्यावरण के लिए। और बारिश के सीजन में आओगे ना यहाँ पे तो कमाल का व्यू देखने को मिलता है ना। चलो वहां मिलते हैं ऊपर पहुंच के। वाह क्या नजारा है, यस। तो अगर ये पहाड़ सारे मिलके अभी गिर जाए मेरे ऊपर तो मेरा क्या होगा, कल यहाँ बचूंगा नहीं मैं, है ना, मैंने को जंगल के बीच में जाता हुआ मैं, टाइमिंग है मेरे पास बहुत कम कल की, और जगह मैं कल एक्सप्लोर ही कर पाऊंगा, जगह नहीं है मेरे पास, मतलब टाइम नहीं, टाइम बहुत कम है, बस चलेगा इतना ही। ये देखो पीछे मस्त है ना सीन, ये देखो देखो देखो, अभी और जा रहा हूँ, अभी और दिखाना बाकी है आपको। सॉरी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हूँ, यहां से गिरूंगा तो मर जाऊंगा। सच बोल रहा हूँ यार, यहाँ से गिरूंगा ना सच में, भगवान के पास चला जाऊंगा मैं। ओ भाई देखो पीछे का व्यू, सारा कैमरा के एंगल पकड़ के मेरा मोबाइल गिरेगा ना तो सीधे चला जाए, तो देखो पीछे का सीन, मेरा पानी का बोतल गिर गया यार, अच्छा खासा बोतल था साला, यहाँ से गांड फट रही है मेरी यार ऊपर।
साले पुलिस वाले ने मना कर दिया। अभी और तो ऊपर चढ़ना बाकी है, इतना ऊपर। सच में मर जाऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ। वहां पे वो एरिया है वहां से घूमने का, बट मैं गलत जगह से एंट्री ले रहा हूँ। तेरी मेरे की हिल टॉप में हूँ भाई, हिल में, देखो हिल में हूँ, देख सकते हो ना क्या हवा चल रही है। पीछे का सीन है ना, मस्त है ना, कोई और भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। सही है ये क्या कर रहे हैं छोरी लोग, इनको कोई मना ही नहीं कर रहा भाई। देखो इतना ही था, अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे गेस्ट हाउस साइड। गेस्ट हाउस के अलावा और भी चीजें दिखाने बाकी है। टाइमिंग वगैरह मेरे पास यार टाइमिंग की मैं खोटी करता रहता हूँ, थोड़ा थक भी गया हूँ, तो अभी और भी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा ही, हाँ थोड़ा ही सा। पीछे का सीन देखो इतना ही है, कुछ ऐसा मैं नीचे से आया था, ये नीचे आपको दिखा रहा हूँ। कुछ बच्चियां लोग यहाँ पे सेल्फी फोटो वगैरह ले रही हैं, ये देखो ये लोग ले रही हैं। और बस मैं जाने ही वाला हूँ, और मेरा बॉटल का नुकसान हो गया, 1000 का नुकसान हो गया, बॉटल गिर गया मेरा, स्टील का बॉटल। तो अभी दिखाऊंगा, ये यहाँ से निकल रहा हूँ, डरवो गंजेड़ी भी जाते हैं इससे। छोटा महादेव नीचे है मंदिर, वो वहां पे चढ़े थे, यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। और देखो ये क्या क्या नाम लिख के रखे हैं ये लोग, अपनी जानू सोना का नाम लिख के रखे हैं। देखो कुछ ऐसा ऐसे, अभी यहाँ से जाऊंगा मैं भाई, यार यहाँ से उतरना के उतरूंगा कैसे मैं। इस तरह यहाँ से उतरूंगा, देखो भाई देखो क्या कहा, ये यहाँ से उतरूंगा यहाँ से भाई, साफ हिल टॉप। ओ भाई देन की
साला गिरूंगा यहां से तो। ये गुलाबी गुलाबी पेड़ उतास बड़ी जम की लगी है यार, क्या करूं। साइड में मुंह दूं यहां से चलने लो। चलो देख रहे होंगे तो बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं लौंडा, कहाँ सुत रहे हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 10 रुपए का टिकट करते हैं और ये कुछ है गेस्ट हाउस टाइप से। ये बैठने का जगह है और ये ऊपर का व्यू यहाँ से भी दिखाई देता है। टेंट टाइप क्या क्या लिखा है अंदर जाने के सब। देखो गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस जो भी है क्या क्या होता है, हाइकिंग जो भी है एडवेंचर ये सब कुछ। और ये विला जस्ट इसके अंदर अभी मैं नहीं जाऊँगा, टाइमिंग कम है जिसके कारण। फिर टूरिज्म, वेलकम टू एमपी टूरिज्म, शेरडा महादेव तामी है ये जस्ट। और ये इसकी एरिया पार्किंग एरिया, खाने पीने का एरिया है। और देखो भाई साहब वो वाला पहाड़ एक नंबर है। विश्राम गए ये, यहाँ का खाने पीने का। ये छिंदवाड़ा तामिया में अपना ये 10 के 2 लड्डू किसके हैं? राजगुरा, राजगुरा के। और ये बैर अपने लब्दा बैर। और ये अपने चने ये भुने हुए, ये मूंगफली। और ये बेल बच्चा बेल। प्राइस क्या है इसका? 20 रुपए प्राइस। तो इसको दे दो मेरे को अभी जी। ये और ये चने कितने के? 10 रुपए। तो 10 वाला दे दो। सही है, इसको खाके चेक करेंगे। ये लग गया 10 का चने। और ये अपने चूरा, चूरा के लड्डू एक नंबर है। पर इसके साथ कुछ और चीज भी मिला है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये होंगे लड्डू, बस चलते हैं अंदर साइड खाते हैं। ऐसा एरिया तामिया का हिल्स जैसे। ये है यहाँ का गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में अभी गेस्ट हाउस से दिखाऊंगा कैसे क्या सीन दिखते हैं वो भी। लड्डू तो खा लूँ पहले, हाँ खा लूँगा। देखो इसमें प्रवचन वगैरह जो भी लिख के डाल रहे हैं वो भी सही। और ये रहने का रुकने का गेस्ट हाउस, यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट आपको दिखेगा, दिखाऊंगा अभी फुल व्यू पॉइंट। वाह वाह वाह, देखो दिख रहा है ना पूरा। फुल व्यू पॉइंट ये देखो, वो पहाड़ी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। काफी सही एरिया है ना, देखने में मजा आ जाता है। और इसको खाने में भी मेरे को मजा आ रहा है चूरा। देखता हूँ जो है चूरा पर खाने में बढ़िया मस्त लग रहा है, एक नंबर। ये बना हुआ है अपना एक और छोटी वाली चूरा आता है उससे बना है, प्लस बड़ी वाली चूरा से, बट अच्छा लग रहा है खाने में। बना है अपने गुड़ से चूरा में आता मीठा मीठा चूरा। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जैसे अगर आप आते हैं तो बारिश के सीजन में आइए,
ना कि गर्मी के सीजन, बारिश के सीजन में आएंगे तो यहाँ का मौसम वगैरह वेदर वगैरह काफी मस्त रहता है। और ये पीछे के सीन वगैरह आप देख रहे हो ना, एक नंबर रहता है। यहाँ पे पूरा बादल वगैरह अटके होते हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखता धुंध धुंध, बट बहुत अच्छे देखने में लगता है। और एंट्री चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री छोटे महादेव में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे 10 रुपये एंट्री चार्जेस है। और वो जो दिख रहा है वो हिल्स, वहल्स में आपको दिख रहा होगा ये जहाँ पे उंगली मैंने की है, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कराया जाता है। तो आप अगर आते हैं तो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, 100 रुपये पर नाइट के हिसाब से। और उसके बाहर है पार्किंग एरिया, ये पार्किंग आपको दिख रहा होगा, वो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और प्लस गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस रहने के लिए ये तो ये है ही। और वहाँ पे खाने पीने का साधन भी मौजूद है, तो वहाँ पे आप खा सकते हैं, यहाँ का जो भी लोकल डिशेज हैं उनका आप आनंद उठा सकते हो, अच्छे तरीके से खा सकते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वो भी आप खा सकते हो। और मैं अभी खा रहा था चना चूरा, वही तो देखो यहाँ का आनंद ले रहा हूँ, बैठे बैठे क्या करो। उसके बाद जाऊँगा घर, देखो पीछे पहाड़ मस्त सकते हैं। एक बात और, जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं कुछ भी खाते हैं पीते हैं अपने साथ डब्बा ब्लास्ट कुछ भी रहते हैं, यहाँ पे कचरा मत फैलाएं यार, गंदगी मत करें। देखो मैंने ये सब कुछ लिया है, इसको मैं फेंकूंगा नहीं, डस्टबिन में डालूंगा या फिर मैं इसको मैं अपने जेब में रख लूँगा, जेब में रख लेता हूँ, कचरा ना फैलाएं। क्योंकि ऐसे खूबसूरत स्थानों पर आते हो और आप कचरा फैलाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो पीछे का नजारों का आनंद ले थोड़ा, वो सामने घर है, पातालकोट भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लगभग 50-60 किलोमीटर के लगभग दूर है, बस से भी आप आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आना है तो आपको मैंने बताया था पिपरिया रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, फिर छिंदवाड़ा, पिपरिया रेलवे स्टेशन आते हैं तो वहाँ से कम 80 किलोमीटर के लगभग 70-80 बस करिए, तामिया आइए, तामिया हिल्स में यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, हॉस्टल मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, सस्ते में सस्ता, महंगे भी मिल जाते हैं 1000 रुपये पर नाइट, उसी को बुक करिए। और फिर उसके साथ बुक करने के बाद रहिए, 3-4 दिन कैंपिंग करिए, सब कुछ करिए, घूमिए, जो भी जगह घूमना है सतपुड़ा, पातालकोट, पाला, बहुत ही अच्छे अच्छे जगह वहाँ घूमें, पैरालैंडिंग करिए, पैरालैंडिंग भी होता था पता नहीं होता है कि बंद हो गया, और भी अच्छे अच्छे चीज़ें करिए, और फिर यहाँ से और भी दूसरी जगह चले जाएँ। तो सामने का एरिया वो पहाड़ में जाने के लिए मेरे को, अच्छा ये पहाड़ में जाते कैसे मेरे को ये पता नहीं है, बस बाकी तो इस साइड भी जा चुका हूँ, उस साइड भी जा चुका हूँ, बट ये पहाड़ में। और एक बात और कि यहाँ के पहाड़ों में मतलब जंगलों में शेर पाया जाता है, शेर, भालू, चीता, सब प्रकार के जानवर आपको मिलेंगे भाई, सब प्रकार के जानवर। देखो कुछ ऐसा, अरे भाई साहब क्या ढलान है, बस ये लास्ट है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है अपना व्यू पॉइंट, इसके नीचे भी जा सकते हैं, बस वो दारू पीने वाले लोग ही जाते हैं। देखो कुछ ऐसा है सीन, है ना, बढ़िया सीन है ना, कुछ ऐसा है यहाँ का सीन। और वो पहाड़ में मेरे को जाना था, उसका रास्ता शायद वहाँ से है यार, वो वहाँ से है, जाऊँगा एक आध बार, देखता हूँ कल, देखता हूँ मैं तो, फोटो ले लूँ कल बार। तो फूल कलिया ये देखो, ये फूल, वो पहाड़ अपना हो गया, ये देखो वो पहाड़ दिख रहा है सामने आपको, ये पहाड़ ही ऑल टोटल रास्ता है। और यहाँ से आप आएंगे तो वो सामने आपको दिखेगा ये पहाड़, ये पूरा पहाड़ आप क्रॉस करके ही आते हो, बस से अगर आएंगे तो पूरा पहाड़ एकदम राउंड राउंड मार मार के। बारिश के सीजन में यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह आते हैं ना तो स्लिप बहुत होता है, और ये पहाड़ का एरिया है तो पहाड़ के एरिया में होता ये है कि जैसे बारिश हुआ तो सड़कों में पानी भरता है तो गाड़ी स्लिप करने लगता है, और टर्न इसमें बहुत ज़्यादा है जिसके कारण एक्सीडेंट वगैरह इसके खतरे थोड़े बहुत
बैठ जाते हैं। तो आप यहाँ पे बारिश के सीजन में आते हैं अपनी गाड़ी या वाहन से, तो गाड़ी वगैरह थोड़ा ध्यान से चलाएं यहाँ पे, है ना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, सेफ्टी के लिए, है ना। और ये पीछे का सीन वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए आपको उसके बाद और सीन दिखाएंगे, और अभी मेरा घर जाने का वक्त हो चुका है, उसके बाद चल पीछे का थोड़ा एक और सीन दिखा देता हूँ। ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया, जूमिंग कितना होता है, जूम कितना होता है, मेरे को जूम देखना है। ये हो गया पहाड़, ये बस इतना ही होता है। कैंपिंग वो एरिया पे होता है, वो मैंने बार बार बता चुका ही है। ये देखो सही एरिया ना, एक नंबर लग रहा है ना, अभी वहां पे जाकर दिखाऊंगा। आठ ओ तेरी, ओ तेरी, क्या व्यू दिख रहा है, सही एक नंबर व्यू दिख रहा है यहां से, चिलंदे खाने पीने वाले लोगों के, सही एरिया ना। अब फाइनल